अच्छा सब बढ़िया, थंबनेल देख के आया तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, लाइक डिसलाइक मारो निकल जाओ। नीचे मुझे सिस्टम सिस्टम साले, मैं तो सबको पता चल चुका है अब तक मैं फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहा है, ओपनली कर रहा है, चाहे वो अपनी वीडियोस में हो या लाइव स्ट्रीम पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे तो मैं करता ही रहता हूँ, फुकरा इंसान मन ही जा रहा नहीं। चलो कमेंट खोलो सिस्टम, एक ही वर्ड सीखा है क्या स्कूल में, आगे भी तो करो सिस्टम के कुछ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। दूसरा है एलविस यादव फायर इमोजी, अबे जल जाएगा उसी आग में, शांत हो जा, पता नहीं क्या चुल मची हुई है, जब तुझे अपना बंदा सपोर्ट करना तू सपोर्ट करना। नहीं नहीं नहीं, ज्ञानी वाले पोस्ट पे जाएंगे, जो भी फुकरा को सपोर्ट कर रहा वहां से लेके आएंगे सिस्टम, साले इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है तुम उसको प्रमोट करो, नहीं जो दूसरा प्रमोट हो रहा है ना उसको नीचे करो। और साला शो में बोलते हैं कि भाईचारा ऑन टॉप है, किसी को नीचा नहीं गिराते, मैं कहा ये क्या हो रहा है फिर, असरा नहीं बोल गया मेरे अंदर से। और इसके बाद इनके अंदर इतना ऑडेसिटी होता है कि आगे बोलते दोगला इंसान, अभिषेक दोगला इंसान, अबे ये दोगला बननी है कि भाई अंदर क्या बोल रहा है बाहर क्या हो रहा है, मैं अंधा थोड़ी हूँ, मैं असरानी थोड़ी हूँ, मुझे तो दिख रहा है, मेरी तो चार चार आंखें हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बट नहीं सिस्टम भाई साहब, इससे डिफॉल्टी सिस्टम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एलविस यादव के फैंस फुकरा इंसान के फैंस को और फैमिली को अक्यूज कर रहे हैं कि फुकरा इंसान एलविस को कॉपी कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहला मीटअप किसने किया था, एलविस ने, एलविस के बाद किया है अभिषेक की फैमिली ने, वाह। बोर्ड्स लगाने पहले किसने शुरू किए थे, अच्छा अच्छा एलविस ने किए थे, उससे पहले तो बोर्ड लगे ही नहीं फुकरा के। बहन क्या इनका पता लॉजिक क्या है, कि लॉजिक बनाओ ही मत, मेरी बात में कोई लॉजिक ही नहीं होगा तो हराओगे किस बात पे, और लॉजिक सुनाओगे ना तो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बहरे भी है, अंधे तो ही साले। अबे साले हाँ हाँ, अब मेरे को आदत हो गई है गाली खाने की, करते रहो जिसको जो करना है, बट वोट करना है तो फुकरा इंसान को करना है। और कल जो हुआ है ना रात में, उसके बाद तो भाई साहब दिल खट्टा हो गया मेरा एलविस यादव को लेके। पहले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी एलविस के फैंस को लेके या एलविस, क्योंकि रिस्पेक्ट तो है एज अ क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर है, अच्छा कॉन्टेंट है, यूनिक कॉन्टेंट है, डिफरेंट कॉन्टेंट है, और जो सिस्टम किया है उसने शो के अंदर, भले ही तीन चार दिन का था बट उसके जो वन लाइनर है वो फनी होते हैं। बट साला कल तुम सिस्टम सिस्टम कर रहे हो, लेजिट अभी पूरा सिस्टम पूजा भट्ट बन चुकी है, और एलविस यादव खुद सिस्टम के नीचे है। तेरे दोस्त है अभिषेक, मनीषा है, मनीषा तेरे लिए खाना बना रही है, तेरे कपड़े धो रही है, लेजिट एक वाइफ वाला काम करवा रही है, तू भाई बना के रख दिया तूने उसे। भाई साहब रात में सब बाहर बैठे हुए हैं, अभिषेक की तबीयत बहुत गंदी खराब है, वो चादर ओढ़ के सो रहा है, और कोई कुछ नहीं कह रहा क्योंकि बिग बॉस भी जानते हैं तबीयत खराब है। अभी बबीता डायन बैठी हुई है, एलविस बैठा हुआ, मनीषा रानी बैठी हुई है, अभिषेक बैठा हुआ है, चारों बात कर रहे हैं, बट हमें क्या दिखा रहे हैं, बिग बॉस पूजा भट्ट की वॉक। मैं कहा कैट वॉक थोड़ी है, वो कौन सी सुपर मॉडल है, मैं क्यों देखना हूं ये सब, मैं नहीं बताऊंगा। एलविस ने बोला मनीषा को कि भाई खाना बना ले, भूख लगी है, तो मनीषा रानी गई, खाना बनाया, खाना गरम गरम बना के रख दिया टेबल पे, और आवाज भी मारी कि आ जाओ खाना बन गया, गरम गरम है। भाई साहब बबीता डैम को छोड़ के गया नहीं है, वहीं पे लेटा पड़ा रहा है, थोड़ी देर वेट गया, उसके बाद उसने प्लेट जाके उसका उधर ही दे दी, कहता मैं आ तो रहा था, अबे गरम गरम खाने के लिए बुला रहे, तेरे पे क्या बोलूं मैं, साले तेरी केयर कर रहे तेरे को उसमें भी मजे लेने के, हाँ नहीं मैं तो बबीता डायन के साथ ही रहूंगा, क्यों, क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ। बात तो सही है। अब अकेली बैठ के खाइए मनीषा रानी ने खाना, अभिषेक की तबीयत खराब है, वो लेटा पड़ा है आंख बंद करके, ये बबीता डायन के साथ खा रहा है, साले वो तेरे को खा जाएगी जिंदा, पकाने की जरूरत भी नहीं है, आधा खाना खा लिया एलविस का। अब मनीषा रानी को पता है, जब तक इसका आया प्लेट, इस मनीषा रानी का भी खाना खत्म हो गया, बंदी सामने से पूछ रही है कि खाना खाइएगा, भूख लगा है तो और बना देते हैं, कहते नहीं नहीं मैं कर लूँगा, और फिर भी कुछ किया नहीं है, मनीषा रानी कर रही है, सब्जी काट रही है, दे रहा है प्याज काट के दे रहा है बस। भाई साहब मेरे लिए अगर किसी ने इतना कर दिया होता ना, खाना बना के पूछ रहा है, कोई बना रहा है वही बड़ी बात है, पूछ रहा है, मेरे कपड़े धो रहा है मेरे कहने पे, बहुत बड़ी बात है यार, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, मैं किसी के लिए ना करूं यार इतना, खाना बनाना फिर भी एक पल के लिए मैं सोच सकता हूं, बट आवाज मार के बस छोड़ दूंगा मैं, वो बंदी सामने से कर रही है, रिस्पेक्ट डिजर्व करती है वो लड़की, जब खाना बनाइए दूसरी बार उसके लिए, क्योंकि उसे पता है इसका पेट नहीं भर है, उस टाइम पे क्या बोल रहा है, अब तू कपड़े धो दियो बस, अबे नौकरानी है तेरी, साले दोस्त बनाए तो नौकरानी क्यों बना रहे तुझे, कुछ भी बैठा दे ना बबीता डायन को, वो भी तो इतने कपड़े धोती है, बोल दे उससे वो धो देगी तेरे हर बार। भाई साहब इज्जत
इज्जत खत्म होगी भाई साहब अल्पेश यादव के लिए। तू कितना भी भाईचारा कर ले, ये भाईचारा नहीं है। तूने क्या कर दिया भाई मनीषा रानी के लिए? क्या किया तूने, बता दे एक चीज मेरे को ढंग से। साले सब तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और यही इसी के फैंस बाहर बैठे, अल्पेश के फैंस अभिषेक और मनीषा को गलियारे हैं। मैं कहा ये कौन सा सिस्टम है भाई साहब, इतना करप्ट सिस्टम है ना, तो तुम्हें रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। हद होती है यार, मतलब तुम कैसे बोल सकते हो कि ये जो हुआ है वो बिल्कुल सही है, अल्पेश यादव सही है और ये सिस्टम है। भाई साहब तुम्हें ये करना है ना, तुम सपोर्ट करो, मैं नहीं करता इसमें बिल्कुल भी। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बस रात में मेरे को इस चीज का बहुत बुरा लगा। अबे तीन दोस्त बैठे तो दोस्तों वाली रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए ना, ये थोड़ी है। हाँ एक बंदा तुम्हें यूज कर रहा है और तुम बस यूज हो रहे हो और ऊपर से बाहर गालियां भी खा रहे हो। अभी अभिषेक और मनीषा का है बॉन्डिंग, तो अगर मनीषा अकेले बैठ के खा रही है तो अभिषेक खुद जाता है। इतनी होती है दोस्ती में यार, कि अगर मैंने तेरे को बहन माना है, भाई माना है, दोस्त माना है, तो मैं निभाऊंगा भी। ये क्या हुआ कि साला तुम्हें मालूम है ये अपोजिशन है, ठीक है तू बीच का बना हुआ थाली का बैगन की, तू इधर भी है तू उधर भी है, बट तेरी प्रायोरिटी तो तेरे पास होनी चाहिए ना क्लियर। तेरे पास वही क्लियर नहीं है, मैच्योरिटी, घंटा मैच्योरिटी। गजब बेइज्जती है। तुम बोल दो कि चार लोगों के साथ बैठे थे, चलो ठीक है तेरे बोलने पे खाना बना है ना, तो बोल दे खाना का क्या आता है, फिर बात कंटिन्यू हो जाएगी। ऐसा थोड़ी जबान कट जाएगी सबकी, या दिमाग खत्म हो जाएगा कि बात ही भूल जाएंगे सब। बात तो तभी भी हो सकती है ना। अभिषेक तो सबसे बात करता था, तो ये क्या कर रहा है? अल्पेश यादव का पैटर्न नोटिस कर लो अभी, वो एग्जैक्टली वही है जो अभिषेक करता आया है कि सबको साथ लेकर चल लो। बस एक डिफरेंस है कि अभिषेक अभी भी स्टैंड लेना जानता है, उसको जो सही लगता है वो बोलता है, बट वही है उसकी हालत डाउन हो गई है जब जिया शंकर गई और लास्ट वीकेंड के बाद उसको डांट पड़ी है, प्लस इनसिक्योरिटी भी हो गई है। भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्पेश यादव ट्रॉफी जीत जाए, प्राइज मनी जीत जाए, वो सब चीज जो मिलने वाली है वो भी जीत जाए। डिजर्विंग विनर हमेशा OTT सीजन 2 का फुकरा इंसान ही रहेगा, फुकरा इंसान ही रहेगा। और इसमें मेरा कोई वाइल्ड कार्ड वाला लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जो चीज अल्पेश का पॉइंट है वो खुद पे ही स्टैंड बाय नहीं करता है, कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं बनाता है। बाकी जिसको जो सपोर्ट करना है कर ले, मेरे को कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आज सुबह से उसकी तबीयत खराब है, सुबह थोड़ी देर दिखा है और उसके बाद पूरे टाइम नहीं दिखा है, अब आके दिखना शुरू हुआ है, पता नहीं कहाँ था पूरे दिन से। अरे सुबह वो था टास्क, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दे दिया बिग बॉस ने टास्क कि सब अंदर आ जाओ बेटा, सब अंदर आ जाओ, कोई ना है चूरू पे। हाँ अरे पी रखी इसने, रुक जाओ। तो टास्क आ गया, टास्क क्या है, अंदर बैठे रहो, बाहर गार्डन में प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि आज रात लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी। मैं कहा मंडे 12 बजे तक तुमने वोटिंग रखी है तो कल क्या करोगे हैं मुजरा? फिर वो 3 घंटे का शो बना दोगे तुम, 4 घंटे तुमने ओपनिंग सेरेमनी करी थी, 4 घंटे तुम क्लोजिंग सेरेमनी करोगे। साला 12-1 बज जाएंगे, फिर मैं लाइव स्ट्रीम क्यों करूंगा हैं? कल वाला दिन का जो होगा वो 1 घंटा बना के दिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि कल वाले दिन तो इनको डांस वांस करवाएंगे ना इनके पकौड़े। हाँ तो रात को 12 बजे लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, बाकी आज होगी पार्टी, कॉन्सर्ट किसका, नंबर लिख 9 8 9 7 1 उसके आगे डम डिका डम डिका डम। मनीषा रानी की रिक्वेस्ट पूरी कर दी नेहा कक्कड़ ने, टोनी कक्कड़ आ रहा है आज, टोनी कक्कड़ और आशीष कौर करके कोई है, आशीष कौर मैंने नाम सुना है, सिंगर है, बट मेरे को गाना कोई भी नहीं पता उसका, तुम्हें पता होगा फेवरेट गाना तो बता देना, क्योंकि मैंने विकिपीडिया पढ़ा, जो भी गाने थे मैंने कभी सुने ही नहीं है। सब बस बेटा, ठीक है आज के एपिसोड में ना अभी लाइव स्ट्रीम पे 4 या 5 बजे का सीन होगा, 4 से 6 के बीच का सीन होगा ये, कोई भी नहाया तुम्हें नहीं है, सब ऐसे ही जिसमें कपड़े में उठे थे उसी में पड़े हुए। मैं कहा तैयार तो हो जाओ, कॉन्सर्ट हो रहा है तुम्हारे लिए, और उसके बाद बंद कर देंगे। अब पता नहीं कॉन्सर्ट कब तक चलेगा, वैसे तो 1 बजे तक बंद करते हैं ये लोग, साले कल तो 2 बजे तक चलाया इन्होंने। मैं कहा ये कैसा हिसाब है तुम्हारा कि एक दिन पहले तुम्हारे 1:30 बजे ही 12 बज गए थे, कल 2 बजे के बाद भी 12 नहीं बजे थे तुम्हारे, तुम्हारा अलग ही लॉजिक चल रहा है। ले बिग बॉस बैठ के साइड में बोल रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ तो जिसको वोट करना है कर लो, और जिसको मेरा मतलब है अभिषेक मल्हान को, ठीक है बकवास नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, वी आर इन द एंड गेम नाउ। अभिषेक डिजर्व करता है, उसकी जर्नी, उसका स्ट्रगल, उसका पेशेंस, उसका लीडरशिप क्वालिटी, इवन उसका ओवर कॉन्फिडेंस जो कभी कभार दिख जाता है। बिग बॉस में जो कंप्लीट पैकेज चाहिए वो अभिषेक था, फुकरा इंसान था, और वो डिजर्व करता है कि ये नकली हवा नहीं थी, ये असली हवा थी। हवा भी क्या, तूफान बन के आ गया वो। जो भी होगा भाई मजा तो आएगा बिग बॉस के बाद कि जब वो करेगा मजे, और फिर मैं कॉपी करूंगा उसकी वीडियोस। ये बॉय अबे रिएक्शन वाली असली वीडियो तो मैं कॉपी भी नहीं कर सकता, बहुत पैसे लगते हैं उसमें, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। सही बात है, मेरे पास कितने हैं, 15 रुपये मेरे अकाउंट में, 15 रुपये तुम्हारे अकाउंट में कितने पे? साले फ्री में वोटिंग कर रहे हैं तब 15 रुपये बचे, पैसा देते तो वोट भी नहीं कर पाते।
सही बात है। हाँ, बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना, और वीडियो लाइक नहीं करोगे तो वोट करना, जिसको भी करना, चाहे अल्वेश को करना या अभिषेक को करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा सपोर्ट अभिषेक के साथ रहेगा हमेशा, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं अल्वेश से नफरत करता हूँ, ठीक है? तो जो भी जीते यूट्यूब कम्युनिटी जीतेगी, लड़ने की जरूरत नहीं। अभी मैं कोई क्लिप देख रहा था कि वो लंदन में पोस्टर लगा दिया, न्यूयॉर्क टाइम में पोस्टर लगा दिया, तो जिस बंदे ने लगाए थे ना वो उस रैली से ज़्यादा था जहाँ पे अल्वेश का हो रहा था। वहाँ पे एक बंदा आ गया ना, एक प्यार से समझा, सन क्यों लड़ रहे हो अल्वेश की साइड से, अल्वेश इतना अच्छा कर रहा है शो में, तुम उसको और घिना रहे हो बाहर, अभिषेक की साइड से नहीं हो रहा ये सब कि गालियां देने पहुंच रहे हैं। मे भी हो रहा होगा 10% या 5%, अल्वेश के साइड से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, और ये गंदगी है और कुछ नहीं है। बाकी ये मेरे थॉट है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। ये सब